या पूरी सिरसा की अगर सियासत को देखें तो चौधरी देवीलाल परिवार के बाहर किसी ने अगर राजनीतिक पहचान बनाई है तो जगदीश नेहरा जी का स्थान उनमें सबसे ऊपर आता है। आज हमारे साथ ये राजनीति की बातें करने के लिए मौजूद हैं। नेहरा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले आपका, जैसे अब तो आप करीबन करीबन चौटाला साहब से थोड़े से छोटे हो आप, हाँ 6-7 साल, तो अब भी कोई मुलाकातें नहीं होती उधर? नहीं, अमूमन नहीं होती। वैसे एक शादी में मिल गए थे तो ऐसी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन हाथ उत मिला लिया। लेकिन 1977 से लेके यदि हमने मतलब 2010 से या 12 में हाथ मिलाया तो कितना टाइम था। अच्छा, 77 के बाद 12 में हाथ मिला। हाँ, अब बताओ कि कितना, 77 से मतलब 23 है, 35 साल बाद किसी से हाथ मिलाओ तो वो कोई, वैसे तो फॉर्मेलिटी है भी, सारों से हाथ मिला रहे थे, मेरे से मैं ही मिल लिया या मैंने मिला दिया। अब मैं हाँ ऐसे कैसे कहूँ भी मैं नहीं मिलाता क्यों, ये तो पढ़े लिखे हैं वो तो अभी मैट्रिक कर रहे हैं, चौटाला साहब अब भी मैट्रिक कर रहे हैं और मैं BA LLB मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर डिग्री है मास कम्युनिकेशन। तो उनका रवैया और टाइप का है, हमारा रवैया लोगों से हाथ जोड़ के बात करनी है। नरेश साहब, वो जब आप पहली बार मंत्री बने 1982 में, तब आप कहाँ थे? कैसे, आप जम्मू कश्मीर में थे? हाँ, मैं वैष्णो देवी गया हुआ था। अच्छा, वैष्णो देवी से, अच्छा मेरे को ज्ञान भी नहीं था भी मेरे को मिनिस्टर बना दें। अच्छा, ये मेरे को आपने सोचा नहीं था? नहीं, सोचा भी नहीं था। और ज्ञान इसलिए नहीं था कि मैं तो MLA बनने से ही खुश था। अच्छा, वो एक तो प्रताप सिंह और आया था और एक हमारे जो सामाजिक व्यवस्था थी राजनीतिक वो हमारी नहीं थी जी। तो फिर बैकग्राउंड भी मतलब जमीनें ज्यादा, MLA बन के खुश था, इसलिए मैं तो, जमीनें तो आपकी भी थी 300-400 एकड़ जमीन। हाँ, जमीन तो है ही, जमीन तो हमें अलाट 700-800 एक बीघे हुई थी। हाँ, कुछ हमारी कट हो गई। तो मैं तो वैष्णो देवी गया था 1982 में और पीछे से चौधरी भजन लाल ने वो कैबिनेट बना दी क्योंकि वो तपस्या वाला प्रकरण हुआ फिर। हाँ, तो मैं आया तब मेरे को उन्होंने अगले दिन मेरे को ढूंढ डांड के मेरे को बना दिया। बना के इन्होंने मतलब है मेरे को चौधरी दलबीर सिंह से बात कराई। अच्छा, तो दलबीर सिंह ने कहा अभी तुम कैसे स्टेट मिनिस्टर बने आए, तेरे पास विभाग शिक्षा है? मैंने तो इंदिरा जी को कहा था कि भी तेरे को इरिगेशन पावर देनी चाहिए। अच्छा, क्यों? इंदिरा गांधी जी मेरे घर गई हुई थी। अच्छा, इंदिरा गांधी आपके घर? हाँ, घर गई 79 में। तब तो आपका छोटा सा घर होता होगा। हाँ, छोटा छोटा सा घर था। और इंदिरा गांधी गई बाथरूम में जाने लगी, जो इंदिरा गांधी के साथ था वो, कहे शर्म नहीं आती आपको ऐसे बाथरूम में इंदिरा गांधी जाएगी? उनके पीए ने कहा। हाँ, मैंने कहा जी मेरे पास तो ये है अब मैं अच्छा कहाँ से लूँ, ये है उसमें इंदिरा गांधी चली गई भी। तो मैं घर में गई तो मैंने उनको बिठा के चाय की तो हमने बाहर पी, हमारे नौरा था उसमें फंक्शन था, लेकिन वो लेडीज से मिली और साथ में मैंने उनको शाल दी, एक गीता दी, 51 रुपये दिए, एक अंगूठी दी। अच्छा, तो फिर 151,000 रुपये वहाँ कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी ने वहाँ जलसा था बड़ा उसमें दिए। तो और उस टाइम बीच में बात रहेगी 82 में जो था वो टिकट भी तो दलबीर सिंह ने दिलाई। अच्छा, आपको इंदिरा गांधी जी जा रही थी वहाँ विदेश। अच्छा, तो चौधरी दलबीर सिंह जी ने कहा, मेरा कागज भी था, दलबीर जी जो शैलजा जी के पिता थे ना, तो उन्होंने कहा जी इस तरह से जहाँ आप चाय पी के आई थी वो लड़का चुनाव लड़ रहे, क्योंकि डॉक्टर सुखदेव भी कैंडिडेट थे वहाँ। तो सुखदेव सिंह था जो अपने टिकट इन्होंने दिलाई, सुखदेव की मदद है चौधरी भजन लाल कर रहे थे और ये भी कर रहे थे चौधरी ज्ञानी जेल सिंह। अच्छा, होम मिनिस्टर। और आपकी मदद चौधरी दलबीर सिंह कर रहे थे।
तो इंदिरा गांधी जी ने वो उसमें कर दिया कि ठीक है इनको दो, इनको दो। उनको तो, याद आ गया कि आपके घर हाँ गई थी, तो उन्होंने सारी बात बताई, तो उन्होंने वो सेंक्शन कर दी, वरना टिकट वहाँ नहीं मिलती थी। क्यों? और 77 में तो लेनी ही कौन था टिकट पे? 77 में तो लेनी ही नहीं था, वो तो धक्के से मैं कहा अभी मैं लूँगा टिकट। तो आपके भाई ने 20,000 रुपये दिए थे ना? हाँ, भाई ने बाद में दिए। अच्छा। पहले तो कहने लगे अब मैं चुनाव लड़ता है तो मैं पैसे नहीं हमारे पास। अच्छा। मैंने कहा यार अब मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे को पैसे मिल गए उधार। अच्छा। एक रिश्तेदार था हमारा, उसको मैंने कहा जी मेरे को पैसे चाहिए कि कितने में? 15,000। तो उन्होंने चने डाले ट्रॉली में बेच के दे दिए। तो फिर मैं घर वालों से कहा, एक पूछता वकील था मैं, तो मैंने कर लिया। फिर वो जब मौके पे गए तो वहाँ देखा भाई इसकी स्थिति तो ठीक है, अरे ये जीत भी सकता है, और सारे चौधरी चुटाले के सारे लोग थे वहाँ, तो उसके हमारे खिलाफ भी थे, अपने हक में भी थे। तो फिर कहने लगे यार तेरे तुम कर कोई हिम्मत। मैंने कहा हिम्मत क्या करूँ, पैसे ही नहीं है। तो कहने लगे पैसे मैं दे देता, तो 20,000 दे दिए। जब 15,000 तो उनके दे दिए, 5,000 मैंने जेब में डालिए, पैसे तो मैंने पहले खर्च कर ही दिए थे। आपका भाइयों का बड़ा प्रेम था आपस में? तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। तो BSC में तो आप राज्य मंत्री रहे ना, शिक्षा मंत्री, लेकिन स्वतंत्र प्रभार। हाँ, स्वतंत्र प्रभार। तो उस दौरान आपने कुछ ऐसे काम किए हों जो आप गिनवा सकते हों शिक्षा मंत्री के रूप में? शिक्षा मंत्री के रूप में एक तो 1985 में नई एजुकेशन पॉलिसी बनी थी जो राजीव गांधी जी ने, वो हमने लागू की, उसमें मेरा योगदान मीटिंग में, यहाँ नरसिम्हा राव एजुकेशन मिनिस्टर थे, राहुल गांधी जी ने कहा, उसका मकसद क्या था कि पहले मैट्रिक थी, इन्होंने 10+2 की। अच्छा। और 10+2 का मतलब वोकेशनल है, जैसे मतलब 2 साल बच्चा सीखेगा, जैसे बिजली का डिप्लोमा टाइप है। हाँ। या वोकेशनलाइजेशन प्रोफेशनल कोर्स। हाँ, प्रोफेशनल। लेकिन वो साधन नहीं होने की वजह से वो बात फ्लॉप हो गई, वरना यदि उस बात को करते तो आज काफ़ी एडवांस होता है हिंदुस्तान। तो उस टाइम वो नहीं करी, नहीं करने का हर एक चीज़ करना चाहता है हिंदुस्तान, लेकिन पैसे नहीं, साधन नहीं। इसीलिए दूसरे मुल्कों से कहते हैं भाई इन्वेस्ट करो, और दूसरे मुल्क भी चाहते हैं कि भाई यहाँ शांति है तो इन्वेस्ट करें, पीसफुल। और एक बात मैं उसमें है जो और ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि 1984 में जब इंदिरा जी का ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ जी, उसके बाद रोड़ी सरदारों की आपने सद्भावना यात्रा निकाली? मैंने पैदल सद्भावना यात्रा, वो सिर्फ सरदारों के गांव में। अच्छा। उसका मकसद है, गुरुद्वारे में ठहरा, उसका मकसद है कि बच्चे पढ़ाओ, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन बच्चों को पढ़ाओ, और आपस में प्रेम रखो। मंत्री थे तब तो? हाँ, शिक्षा मंत्री रहते हुए पैदल यात्रा 8 दिन की करी। अच्छा। अच्छा, उसमें क्या हुआ, जब मैं एक गांव में गया, सरदारों का गांव था, और गुरुद्वारे में बैठे थे, तो एक आदमी उठ के शोर मचाने लग गया। अच्छा। ये शोर मचाने लग गया, मार देंगे, गोली चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने उस सरपंच हरदम सिंह का, मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है, इसको बिठाओ ना जी। वो कहने लगे ये तो सीधा सा आदमी है, ये बैठ जा बैठ जा, उसको बिठाया। अच्छा, अगले गांव में हमारा खाना था। हाँ। तो खाना खा रहे थे तब CID वाला आया, उसने मेरे कान में कहा कि इंदिरा गांधी की गोलियाँ लग गई, हत्या हो गई। और वो बात वो पहले कह रहा था। अच्छा। अब देखो टेलीपैथी, ये देखो हद ही होगी कि जहाँ गोलियाँ चल रही थी और वो आदमी उस एक दूर दराज के गांव में साधारण शोर मचा रहे, मार देंगे, गोलियाँ कर देंगे, ये कर देंगे, वो बताओ, मतलब असर कर रहा था कुछ, कोई ना कोई बात थी। अदरवाइज सेम टाइम सुबह का टाइम था और वहीं हम पैदल यात्रा में थे, और वहाँ ये बात हुई। फिर हम फटाफट जाके अगले गांव में, कई कहने लगे भैया तो बहुत मारे, किसी ने रेडियो ने अपने नहीं अनाउंस करी। हाँ जी। इंदिरा गांधी की डेथ थी, तो BBC ने पाकिस्तान कहने लगे। तो फिर हम अगले गांव में, एक गांव था काफ़ी बड़ा गांव था, वहां गुरुद्वारा था, उस एरिया का सबसे बड़ा गांव चोरमार गांव था,
तो वहाँ मत्था टेक के यही प्रोग्राम फिर हम बंद कर दिया वो वापिस। लेकिन उसके बाद तो बहुत दंगे हुए हैं। दंगे हुए हम दिल्ली गए लेकिन वहाँ हमारे एरिया में नहीं। अच्छा, आपके एरिया में कोई नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल, इधर तो बहुत हुआ है, हिसार तक हुआ है। हाँ, हिसार तक रोहतक में हुआ है, हिसार में हुआ है, जीटी रोड बेल्ट पे हुआ है। जीटी रोड में हमारे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपके उधर कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ। और उसका मैं समझता हूँ कि मेरा जो प्रचार था उसका असर था, क्योंकि मैं 36 गांव में 8 दिन में पैदल यात्रा की, उसकी वजह से वहाँ लोग भिड़े नहीं, भिड़े नहीं आपस में। वरना वो जब वो आदमी कह रहा था अभी मार देंगे, ये कर देंगे, तो और वो क्या कह रहा था, क्या उसका मेन भाव है जो इंदिरा गांधी जी को गोली लग रही थी, वो ही था मेन भाव, और तो कोई नहीं था। ठीक है, तो ये कई बातें ऐसी हो जाती हैं